आशिक और आप देख रहे हैं डील विद फहद। बड़ी धूम मची हुई है कि 350 रुपए किलो गोश्त मिल रहा है, वो भी बछिया का। देखिए आधी कीमत का फर्क, ये समझ में नहीं आने वाली बात है। भले वो जो है आपके सामने गायें काट रहे हैं, वो गायें आपको नहीं पता कि वो 8 दांत की है, वो आपको नहीं पता कि वो गायें बुड्ढी हो चुकी है या फिर फारिग हो चुकी है, बच्चे अच्छे दे के जिसका गोश्त बहुत सख्त हो जाता है, जो कि लोग अमूमन पसंद नहीं करते। लेकिन हमारा जो अवामी तबका है वो ये समझता है कि 350 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है, वो वाकई बछिया या फिर बछड़े का, जवान बछिया बछड़े का गोश्त है। तो कसाइयों से जानेंगे, जो इस फील्ड के माहिर लोग हैं ना उनसे जानेंगे भाई इसमें क्या हकीकत है। तो आइए तो भाई जानेंगे कि भाई इसमें कहाँ तक हकीकत है कि 350 रुपये किलो वाला जो गोश्त मिल रहा होता है वो वाकई एक बछिया या फिर बछड़े का गोश्त होता है। तो वाजिद भाई मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को ना डिटेल में बताएं कि भाई क्या सूरत हाल चल रही है। सर जी वो बछिया का नहीं होता, वो गायें ढांडी गायें होती हैं बेकार वाली। अच्छा, जो कोई को नहीं पता ढांडी वगैरह, थोड़ा सा डिटेल करके बताएं। डिटेल वो कमजोर गायें होती है, जैसे बकरीद में होता है ना फर्क, जैसे 2 लाख का भी एक जानवर होता है और 5 लाख का भी होता है, ऐसे इस गायों बछियों में फर्क होता है। वो 2 लाख जैसे बछिया बकरीद वाले में फर्क है, ऐसे इसमें फर्क है, वो जानवर कोई खरीदता नहीं है। मैंने सुना है कि भैंसों का भी गोश्त होता है। हाँ भैंसों का भी लोग बेच रहे हैं प्रेशर वाला लगा के, वो लोग बेच रहे हैं 300, 500, 600 बेमानी करके झूठ बोल के बेच रहे हैं। बछिया का नहीं है, नाम लेने से बछिया नहीं हो जाती। अभी क्या रेट चल रहे हैं, अभी क्या रेट, वैसे ऑफिशियल क्या रेट चल रहे हैं? ज़्यादातर ये रेट चल रहा है 800 रुपये के करीब में, 800 रुपये किलो हड्डी वाला। हड्डी वाला और बिना हड्डी वाला? बगैर हड्डी का 950, कोई 1000 बेच रहा है, कोई 900 बेच रहा है, ये रेट है। और पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि मतलब यहाँ जो बिकने वाला गोश्त है वो मतलब बड़ी गाय का नहीं है या फिर बुड्ढी गाय का नहीं है या फिर भैंस का नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है? पब्लिक को वैसे सब पता होता है, जब पब्लिक पकाती है उससे अंदाजा हो जाता है उसको। मतलब कुछ चीज अथॉरिटी वगैरह है जहाँ से स्टैंप लग के आती है कि भाई स्टैंप लग के आती है, अपना कमेले से स्टैंप लग के आती है, पास होता है गोश्त वहाँ से आता है फिर कि भाई जो मतलब इधर गोश्त मिल रहा है आम दुकानों पे जो गोश्त मिल रहा है, जहाँ पे 350 रुपये किलो गोश्त नहीं मिल रहा, वहाँ ये गारंटी होती है कि भाई जो गोश्त है वो कमेले से आ रहा है, स्टैम्प के साथ आ रहा है और वो जवान जानवर का, जवान जानवर को, इसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत बुड्ढी का। अच्छा इसमें गोश्त में फ़र्क क्या होता है? ये उम्र का फ़र्क है ना, जैसे बकरीद में आप जानवर खरीद रहे हो 2 दांत और 1 8 दांत की वैल्यू कम है, ऐसे इसमें उम्र है वो कट्टू माल होता है, उनको जानवर पड़ता है सस्ता, इसलिए आवाम को मिल जाता है सस्ता। बताने का मकसद ये है गोश्त में क्या फ़र्क होता है, जैसे यहाँ से में गलेगा वो 2 घंटे में गलेगा और उसकी थैली में पानी आएगा, ये थैली में पानी नहीं आएगा और बोटी अपनी जगह पे। बड़ी उम्र के जो जानवर होता है उसमें ये फॉल्ट होता है, एक तरह ये फॉल्ट होता है, प्रेशर भी लगा के बेच रहे हैं ना आजकल लोग, तो इस वजह से भी फॉल्ट होता है। अच्छा हमने सुना है कि भाई वहीं पे जानवर गिर रहा है और वहीं पे कट रहा है और लोगों का हुजूम है उधर 350 रुपये किलो वाला। वो आगे एक जानवर काटते हैं पीछे से उसमें हड्डी 1.5 पाव हड्डी आधा किलो हड्डी मिला के देते हैं, चर्बी मिला के देते हैं, जो ग्राहक लेता है ना उनसे उसको पता होता है क्या फ़र्क है, वो दोबारा जाता नहीं है। जिन्होंने देखा हो अगर वो ये बोलें कि भाई जानवर तो हमारे पास बिल्कुल ठीक गिरा, ऐसा भी नहीं है कि जानवर जो है ना वो बड़ी उम्र का या फिर कुछ है, नहीं वो देख वो गाय बड़ी काटते हैं वो लोग, नज़र आता है ग्राहक को भाई, 1-2 ही देख पाते ना और लोगों को पता क्या काटा है, और उसके अंदर हड्डी भी ऐड करते हैं, हड्डी ज़्यादा ऐड करके देते हैं वो, हड्डी भी ऐड करते हैं। तो भाई सिनेरियो ये सामने आया कि जहाँ पे 350 रुपये किलो गोश्त मिल रहा होता है वो जो बछिया, वो बछिया बछड़े का गोश्त नहीं होता, वो बड़ी गाय का गोश्त होता है, जिसके अंदर फॉल्ट ये होता है कि अगर कोई बछिया या बछड़े का गोश्त 2 घंटे में गलता है तो वो 4 घंटे में गला है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मतलब 20 मिनट में गलने वाला गोश्त 2 घंटे में गलेगा। तो भाई आवाम है, खाते हैं सब लोग, जहाँ सस्ता मिल रहा है तो उसको, अगर उनको ये गोश्त पसंद है तो भाई वेल एंड गुड है, अगर नहीं पसंद, अगर कोई इसके रीज़न है तो वो ये है कि भाई यहाँ जो नॉर्मली जो गायें वगैरह गोश्त मिल रहा होता है वो 750-800 रुपये किलो चल रहा है, उसके पीछे रीज़न है अथॉरिटी है, वहाँ से स्टैंप लग के भी आती है। तो भाई यहाँ जो गोश्त होता है वो बछिया बछड़े का होता है, वहाँ की गारंटी नहीं है, 350 रुपये किलो मिलेगा तो। तो भाई एक जगह तो इंटरव्यू ले लिया, एक और साथी से जो है ना मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई इसमें क्या हकीकत है, भाई 350 रुपये किलो वाला मिल रहा है आप क्यों नहीं बेच रहे 350 में? हमारे पास प्योर बछिया ना, हम कैसे बेचेंगे, वो तो बुढ़े जानवरों का पानी वाला भैंस का मार शुमार सब बेच रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात है, 350 में तो उधर रश लगा हुआ है, आप इधर 700 रुपये किलो बेच रहे हैं, 780 रुपये किलो बेच रहे हैं जी। तो मतलब क्या कस्टमर के पहले आने में और अभी के आने में फर्क है, कमी आई? हमारे पास कोई कमी नहीं और बढ़ रहा है माशाल्लाह, आपके सामने कोई चने देख सकते हो आप। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें कि फॉल्ट क्या होता है जो 350 रुपये किलो वाला बुढ़ा जानवर है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, बीमार बुढ़ा, बीमारी से सारे बीमारी वाले मामला आते हैं। अच्छा वो लोग कह रहे होते हैं कि सामने कट रहा है हमारे, एक सामने कट रहा है, 6 पीछे से आगे घुस रहे हैं, बात ये भी है ना आप समझे तो सही भाई। देखे बात ये सामने हुई कि 350 रुपये किलो गोश्त मिले या 780 रुपये किलो गोश्त मिले, गोश्त ने बिकना उसी तरीके से, कस्टमर ने उसी तरीके से खरीदना है। तो मेरे भाई औरंगी में खरीदने वाले जो 350 रुपये किलो गोश्त खरीदते हैं वो सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो गोश्त 20 मिनट में गल जाता है वो गोश्त 2 घंटे में गलेगा। तो भाई आपके ऊपर है कि आपने 350 रुपये किलो वाला गोश्त लेना है या फिर आपने 700-750 रुपये किलो वाला गोश्त लेना है।